हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम घर पर कैसे DIY मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी होममेड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, होममेड जो भी हम अपने फेस पे लगाने के लिए क्रीम्स बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें हम वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं और जो कि हमारी अपनी पसंद की होती हैं। और जितने भी हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है स्किन के लिए। प्लस वो आपकी स्किन को सूद भी करता है, हाइड्रेट भी करता है, प्लस उसे वो मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है जो कि अल्टीमेट होता है, जिसकी हेल्प से आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन एकदम ब्यूटीफुल और एकदम से ग्लोइंग होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है। आज हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल एंड रोज़ वाटर। इन 4 इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से हम आज एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बनाएंगे और जिसे हम डे एंड नाइट बहुत टाइम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी स्किन एकदम बढ़िया हो जाएगी। सो अब मैं उसे आपको बना के दिखाती हूँ कि हमने किस किस तरीके से उसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि हर एक इंग्रेडिएंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा जेल हम सभी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, प्लस उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। सेकेंड थिंग है हमारे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को अल्टीमेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और जिससे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। बट हमेशा हम ग्लिसरीन को एक ब्लेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट उसे अपने फेस पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब वो ब्लेंड फॉर्म में आती है तभी वो हमारी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। सो हम इसे मिक्स फॉर्म में ही लगाते हैं। रोज़ वाटर में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को एकदम नेचुरली ग्लोइंग बना देते हैं, प्लस आपके जितने भी सेल्स होते हैं उसको रीजेनरेट कर देता है। और जो हमारा इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल, वो आपकी स्किन से जितने डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको कम करता है, प्लस आपके फेस से रिंकल्स को कम करता है, साइंस ऑफ एजिंग्स को हटाता है, कोई ब्लैमिशेज है उसको कम करता है, हर चीज़ को सूद करता है। सो ये चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। जब हम इसको ब्लेंड फॉर्म में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं आपकी स्किन पे। सो अब हम जल्दी से इसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, ये हमने ले लिया। आप इसे ग्लास कंटेनर में भी बना सकते हो, आप इसे बोल में भी बना सकते हो, आफ्टर दैट आपने इसे निकालना ग्लास कंटेनर में ही है, क्योंकि ये हम इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, इसे हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। सो इसे हम इसी में रखेंगे ताकि इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमारी स्किन पे है। हमने 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल लेना है, हाफ टी स्पून। सो हमने इसे एलोवेरा जेल में डाल देना है। अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल की ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आप इसे 1/2 टेबलस्पून से ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने कुछ बूंदे इसकी इसमें ऐड कर ली हैं, 7 to 8 ड्रॉप्स। अब हम इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। रोज़ वाटर हम इसमें 2 स्पून ऐड करेंगे अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया और ये बहुत अच्छा सा, देखो ये जेल लाइक क्रीम बन जाती है बहुत अच्छी, एंड इट स्मेल लाइक वाओ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रोज़ वाटर। रोज़ वाटर में जो रोज़ की स्मेल आ रही है वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। प्लस जब हम ये सारी चीज़ों को ब्लेंड करके इसे यूज़ करते हैं सो ये आपकी स्किन पे मैजिकली काम करता है बहुत अच्छे से, और आपकी स्किन इससे एकदम फॉर्म हो जाती है। आपको बेटर रिजल्ट्स के लिए इसे डे और नाइट में यूज़ करना चाहिए। ये आपकी स्किन को एकदम नेचुरल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं अपने स्किन पे, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का हमारी स्किन के अंदर जब वो जाते हैं तो हमारी स्किन अंदर से भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स की हेल्प से वो अंदर जाती है, और जब बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के अंदर जाएंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। 5 डेज तक हमारी ईजिली यूज़ हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी तो हमने लगानी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से आपकी स्किन पे। अभी मैंने अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसे अपनी स्किन पे लगा लिया। आपने जब भी इसे अप्लाई करना है आपने पहले अपने फेस को ज़रूर वॉश करना है, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। अपने हैंड्स भी क्लीन करने हैं, अपना फेस भी क्लीन करना है, देन आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि आपकी स्किन पे बिल्कुल ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जब इसे डे एंड नाइट यूज़ करोगे तो देखना आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, और फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे
कि आपको इस DIY मॉइस्चराइजर को यूज़ करके कैसा लगा। ये बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरी बात पे मत जाना, आप खुद डेफिनेटली ट्राई करो ना इसे। बिल्कुल इजीली है, इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके घर पे अवेलेबल है, सो आप इसको जल्दी से बनाना और फिर से यूज़ करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो टू। बिल्कुल ईजी है, बेल आइकन पे तो प्रेस करना है तो आप वो कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।